पूर्णिया विधानसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार एसएम झा ने की प्रेस वार्ता। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार एसएम झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि साफ सुथरी नीति के तहत पूर्णिया के सर्वांगीण विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसमें स्वच्छ एवं सुंदर पूर्णिया बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाला, जाम की समस्या, बिजली, नारी सुरक्षा एवं खासकर बुजुर्ग समाज को संरक्षण, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह चुनाव लड़ना मेरा ही मकसद नहीं, ये आम जनता की लड़ाई है। पुणे से दीपक कुमार की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। बात यह है कि हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि यदि मतदान पदाधिकारी संख्या से ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि पहले 265 बूथ हुआ करता था पूर्णिया में, आज 425 के आसपास बूथ बनने वाला है, तो ऑब्वियस है कि मतदान कर्मी बढ़ेंगे। तो यदि मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ सकती है कोरोना काल में, तो मतदाताओं की संख्या क्यों नहीं बढ़े? 40% यदि मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ सकती है तो 20% मतदाताओं की संख्या जरूर बढ़ेगी। पूर्णिया वासी बदलाव के लिए जरूर सामने आएंगे। बच्चों से जिसे जांचा परखा, जिसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं हो, जिसके पढ़ाई विद्वता पर शक नहीं हो, निश्चित रूप से उसे ही पूर्णिया को प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, बच्चों की शिक्षा का माकूल व्यवस्था हो सके। और आज जो आप देख रहे छीना झपटी की स्थिति है, कल की ही घटना है, एक मैडम का चैन छीन के भाग जाता है कोई, ये जो समस्या है सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, वो धरातल पर उतर सके, इसके लिए कोई बेबाक, निर्भीक, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। हो सकते हैं और भी लोग हैं इस रेस में, लेकिन एसएम झा के रूप में मैं भी यदि पूर्णिया वासियों के सेवा के लायक माना जाऊं, तो मैं जिम्मेवारी लेकर उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वचन देता हूं। आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैंने फैसला किया है कि मैं, ये जो तथाकथित हमारे दल वाले हैं, 4-5 पार्टियों ने देश के आम आवाम को अपना गुलाम समझ रखा है, इसीलिए ये लोग जो प्रतिनिधि का चयन करते हैं, टिकट देने की बात करते हैं, उसमें ना तो योग्यता देखते हैं, ना ही उनका कर्तव्य निष्ठा देखते हैं, उनके सूटकेस का वजन देखते हैं। इसीलिए मैंने इन सभी पार्टियों से किनारा किया है और मैं पूर्णिया वासियों की सेवा नेता बनकर नहीं, बेटा और भाई बनकर करना चाहता हूं।